दिनदहाड़े ओनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी की निर्मम तरीके से जान ले ली गई। वारदात उस वक्त की है जब प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था और घर वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वारदात आगरा में उस वक्त हुई जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पर आया था। महिला के ससुराल वालों ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और गली में दौड़ाकर डंडों से जमकर पीटा। दोनों जब जमीन पर गिर पड़े तो फरसे से उनके गले काट दिए। पुलिस को महिला की डेड बॉडी घर के दरवाजे पर तो प्रेमी की बॉडी गली में पड़ी मिली। नाली में खून से सना हुआ डंडा भी था। इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि युवक को घेर कर डंडों से पीटा जा रहा है। इसके बाद एक शख्स ने युवक पर एक मिनट में 22 बार फरसे से काटा। 10 बार तो युवक के मरने के बाद किए गए। हमलावर का नाम अभिषेक है, वो महिला का देवर है। वारदात के बाद आरोपी पति पत्नी के बॉडी के पास बैठकर रोता रहा। वही ससुर और देवर थाने पहुंचे और पुलिस कर्मियों के सामने ये कहते हुए सरेंडर कर दिया कि उन्होंने डबल मर्डर किया है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। दिन दहाड़े हुए इस मर्डर कांड को देखकर आसपास के लोग सिहर उठे। पुलिस ने बॉडियों को पीएम के लिए भेज दिया था। मृतक का 5 साल का एक बेटा भी है। ये पूरा मामला आगरा के एतमाउद्दौला थाना क्षेत्र के सुशील नगर का है। 22 साल के शिवम सिसोदिया का अपने दूर के रिश्ते में मौसा के घर पर आना जाना था। मौसा मदन के बेटे गौरव की शादी 7 साल पहले पूजा नाम की लड़की से हुई थी। शिवम की मुलाकात पूजा से हुई, इसके बाद दोनों के बीच प्यार हुआ। शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे के आसपास शिवम पूजा से मिलने उसके घर आया। पूजा के घर वालों ने दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद शिवम ने वहां से भागने की कोशिश की। मदन और उसके दोनों बेटों ने शिवम के सिर पर डंडे से हमला किया और बीच सड़क पर फरसे से गला रेत कर उसका मर्डर कर दिया।